हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हमारे पास सैमसंग का A10 सेट है, यानी ये सैमसंग का A105 मॉडल है। तो इसका A10 मॉडल है, तो इसको आज FRP लोग खोलना है। इसमें मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद क्या हो रहा है, स्किप फॉर नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ओके पर यहाँ पर स्किप नहीं हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पर मेरा वीवो का 17 मोबाइल है, मैं अपना वीवो का मोबाइल का यहाँ पर वाईफाई देके इससे पहले मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। देखिए, मैंने अपना वाईफाई देखे इसे मैं कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए पहले देखिए कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में कनेक्ट आ गया है। अब मैं बैक 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 करना है। बैक करने के बाद आपको एक सिम लेना है। ये सिम में, इस सिम में मैंने पहले से पासवर्ड डाल के रखा हूँ, यानी आपको कोई भी सिम एक लेना है, कोई भी सिम में आपको पासवर्ड पहले से दे के रखना है। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया हूँ सिम में। अब आपको सिम इजेक्टर टूल लेना है। सिम इजेक्टर टूल में आपको सिम जो सिम स्लॉट है, सिम स्लॉट को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिम लगाना है। देखिए, मैं यहाँ पर एक सिम लगाता हूँ। सिम लगाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सिम है इसको अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद यहाँ पर करना क्या है, देखिए यह हमारा सिम में पासवर्ड खोज रहा है। तो आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल को लगाना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पावर बटन और ये दोनों साथ में प्रेस करना है। दोनों अगर साथ में प्रेस नहीं हुआ तो आपका काम नहीं होगा। तो देखिए, मैंने दोनों साथ में प्रेस किया, इधर सिम इजेक्टर टूल भी ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ताला का फोटो आ गया। आपको ये ताला का फोटो पर क्लिक करना है। नो नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आना है, यूट्यूब पे क्लिक करना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद इसको निकाल कर मैं साइड में रख देता हूँ। इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है अबाउट में। अबाउट में क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब टर्म एंड सर्विस में क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट नोटेंस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए खुल गया YouTube का पेज। अब यहाँ पर आपको लिखना है सर्च मेरे चैनल का नाम। आपको अपना मेरे चैनल का नाम पता ही होगा। अगर आपने हमारा चैनल मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। देखिए, मोबाइल पीसी सॉल्यूशन, मोबाइल पीसी सॉल्यूशन जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पर मोबाइल सॉल्यूशन का कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो वीडियो मिले इसकी आपको ओपन करना है। ओपन जैसे ही आपको करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको यूट्यूब में पहुँचा देगा। यूट्यूब में पहुँचाने के बाद ये जो मोबाइल पीसी सॉल्यूशन का वीडियो है इसे आपको यहाँ पर जो ब्राउन कलर का ये चैनल का लोगो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। उसको कम्युनिटी में आना है। कम्युनिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा मोटोरोला का। देखिए, Moto G5+ हार्ड रिसेट, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर Lava Z61 का एक एप्लीकेशन मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। इसे आपको डाउनलोड करना है। योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, कंटिन्यू, अलाउ, ओके। ये हमारा डाउनलोड हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाने पर देखिए ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। 18 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। 10 MB का एक एप्लीकेशन है। ये 10 MB का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये एप्लीकेशन का डाउनलोड किए बगैर आपका इसका FRP लॉक खुलेगा नहीं, यानी आपका इसका वाईफाई आप इसको नहीं खोल सकते, गूगल को बाईपास नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आप मेरे साथ ये प्रोसेस से बने रहिए। आपका सैमसंग M10 का आपका FRP लॉक बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों हमारे चैनल मोबाइल एंड पीसी सॉल्यूशन सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। आप मैं इसे ओपन करता हूँ, इसको सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद इसको अलाउ फ्रॉम सोर्सेस को ऑन कर दिया। बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद इंस्टॉल, ये देखिए MS FRP बाईपास हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गूगल अकाउंट मैनेजर पर जाना है, 6.0 पर जाना है। इसे आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर अलाउ कर देना है, बैक करना है, इसको बार भी ये भी इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर आपका इंस्टॉल हो रहा है। आप इंस्टॉल हो जाने दीजिए पहले।
अब इसे डन करना है, बाईपास ब्राउजर साइन इन, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो पहले से ईमेल आईडी बना बनाया है वही ईमेल आईडी देना है। तो मैं यहाँ पर से एक ईमेल आईडी जो पहले से मेरा बना बनाया है वही ईमेल आईडी दे रहा हूँ। देखिए मैं एक ईमेल आईडी बना बनाया दे दिया, देने के बाद आपको पासवर्ड मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल। देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड देने के बाद मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया। अब साइन इन पे जैसे मैंने क्लिक करता, देखिए हमारा डिवाइस साइनिंग होना स्टार्ट हो गया। अब यह साइनिंग हो गया है। अब होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, रिस्टार्ट करना। आपको रिस्टार्ट करने के बाद आपको जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे साथ यह वीडियो फॉलो करिए, आपका सैमसंग A10 का FRP लॉक बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा बिना कंप्यूटर के। तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी A10 सिक्योर बाय नो, तो ये जो है अभी स्टार्ट होने देते हैं सबसे पहले, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग एंड्रॉइड, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेट्स गो पर। देखिए यहाँ पर लेट्स गो पर आपको क्लिक करना है। लेट्स गो पर जैसे ही आप क्लिक कर दें, यहाँ पर आई है पे एग्री पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्किप पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स बोल रहा है, यहाँ पर आपको अब यहाँ पर देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स पर क्लिक, यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं, थोड़ा घूमने देना है। ये आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि नेट आपका कितना स्पीड है। तो हमारा नेट हालांकि स्लो है इसलिए यह इतना देरी हो रहा है, नहीं तो अभी तक ये देखिए जस्ट ए सेकंड, देखिए हमारा अकाउंट बिल्कुल ऐड हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से अकाउंट हो चुका है। अब नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है, जस्ट ए सेकंड। अब आपको यहाँ पर डोंट रिस्टोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं किसी भी मोबाइल का मैं अब नेक्स्ट नोट नाउ इसकी पहनी हुए हैं। कंटिन्यू एक्सेप्ट ओके, तो हमारा FRP लॉक बिल्कुल खुल गया है। लेकिन आपका अभी एक प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए यह वीडियो आपको और 5 मिनट का देखना पड़ेगा। अगर ये 5 मिनट का वीडियो अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आपका दोबारा FRP लॉक लग जाएगा। गेट रिमाइंडर एप्स यहां पर स्किप पे क्लिक करना है, फिर स्किप पे क्लिक करना है। फिनिश होने के बाद आपका FRP लॉक तो खुल गया, लेकिन जो मैंने अकाउंट बनाया, जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो आपको अनइंस्टॉल करना है। वो अनइंस्टॉल करने के बाद आपका FRP लॉक बिल्कुल लग सकता है। इसीलिए आपको और एक काम करना है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आप प्रोसेस करिएगा तो आपका दोबारा FRP लॉक आपके फ़ोन में बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए खुल गया। खुलने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको एकदम नीचे की ओर अबाउट फोन में आना है। अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर को 4-5 बार टैप करते रहना है, बिल्ड नंबर को उसके बाद बैक कर देना है। और बैक करने के बाद आपको
और एक बार बैक करना है, यहाँ पर आपको एक डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में, इसको आपको डेवलपर में जाने के बाद आपको OEM टर्न ऑन कर देना है, और साथ में यहाँ पर नीचे में USB डबिंग मिलेगा, इसे भी आपको ओके करके ऑन कर देना है। अब उसके बाद और एक बार OEM को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑफ करने के बाद आपको रिटर्न मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद बैक करना है, बैक करने के बाद अबाउट फोन में जाना है, अबाउट फोन में जाने के बाद रिसेट फैक्ट्री डाटा रिसेट डिलीट ऑल। अब यहाँ पर आपको 5 मिनट का और समय लगेगा, लेकिन आपको FRP लॉक बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए तो इसको अब मैं रख देता हूँ, अब इसको स्टार्ट होने के लिए जो समय लगता है इसको देखते हैं। चलिए, आपका वाईफाई देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल का FRP लॉक बिल्कुल हट गया, इरेजिंग हो रहा है। जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया या जो अकाउंट मैंने बनाया वो बिल्कुल इरेज हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना सिम स्लॉट जो मैंने ओपन किया था इसे मैं सिम स्लॉट को लगा दे रहा हूँ। देखिए सैमसंग गैलेक्सी A10 लिखा गया है। चलिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारा यह स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग एंड्रॉइड लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा लेफ्ट गो लिखा गया, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना। आपको वाईफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई सिम लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली नेक्स्ट करके पार कर देना है। लास्ट में आपका मेनू आ जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नॉट नाउ, इसकी बनी हुए गेट रिमाइंडर एप्स, स्किप, स्किप, फिनिश। देखिए हमारा सैमसंग A10 का FRP लॉक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर करिए, हमारा चैनल मोबाइल पेज सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।